सब दंगल का आइटम है। ये हम लोग बेल बोलती है और ये इमली है। ये एक टाइप का सीड है, मेडिसिन के लिए भी यूज होता है और उसका फ्रूट, उसका जो पोर्शन, ये पोर्शन बड़ी होता है, इसको भी हम खा सकती हैं। कैसे खाते हैं इसको? डायरेक्टली खा सकती हैं मैम। किसके वास्ते, किस डिजीज के वास्ते वो यूज करते हैं? ये मैम हमारा जो स्किन का डिजीज कुछ कुछ होता है ना, तो स्किन के लिए भी यूज होता है। और ये तो नॉर्मली हम यूज करते हैं फ्रूट, ये हमारा वेजिटेबल में। और ये तो हम लोग जानती है सीताफल, ये एक फ्रूट है रामफल, और ये ऑरेंज, और ये तो तीन है हरला बहाड़ा और आड़ा, ट्रिपल बोलती है, त्रिफल बोलती है उसको हम लोगों मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। ये जो पेट को थोड़ा गड़बड़ होते हो, और ये तो बेल है, सॉरी कैठा है, और ये एक सीड है उसको हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा इससे ऑयल निकलती है। ओके, और ऑयल किसके वास्ते यूज करते हो? ये तो मैम और से मेडिसिन है। और ये एक दो तीन चार ये सब है, हमारा जंगल में ही होता है, मशरूम है ये सब, मशरूम्स है। हाँ हाँ मशरूम है। और ये एक दो तीन ये सब आम का आइटम है। ये किस सीजन में आता है ये मशरूम्स? ये तो नॉर्मली रेनी सीजन में ही तो चलती है, रेनी हाँ। और ये है आम का आइटम, ये आम का जूस से बना है उसका जो निकलती है, और ये आम का छाल है जो नहीं टॉप पोर्शन है, और ये अंदर के है, इसको सब हम लोग अचार जो बनाने के लिए यूज होता है। और ये कुछ कुछ उड़ीसा में जो आइटम बनाते हैं, और कुछ जो फिश तीस का कुछ करी बनाते हैं तो उसको पकाते हैं, तो कुछ कुछ जो इमली खट्टा लगती है ना उसका थोड़ा यूज होता है। ये एक स्ट्रीम पोर्शन है, उसका फल है, ये उसका फल है। हाँ हाँ, वो लीव और वो खट्टा ये पूरा यूज करते हैं। हाँ हाँ, ये फ्रूट, ये उसका फल, उसका स्ट्रीम और उसका, अब ये तो इमली है, सबसे अच्छा और ज्यादा विटामिन इसमें। अभी जो साइंटिस्ट का टेस्ट हुआ था, सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा विटामिन यहाँ पे। ये तो सब कुछ ग्राउंड अंडरग्राउंड है। ये एक मैम, इसका अंदर ये जो सीड है उसको हम लोग मेडिसिन में यूज करती है, और उससे जो प्लास्टिक ऊपर नीचे कवर है उसको हम नॉर्मली जो सफाई का काम करते हैं। तब सीड